हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुणाल शर्मा। आज हम बात करेंगे ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल तीन नेटवर्क, चैप्टर वन ऑफ नेटवर्क्स एनएफटीएल और सैम पीसीए डिप्लोमा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शायद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एनएफटीएल में, उनको सहायता करने के लिए, इससे उनका भी अच्छा होगा और आपका भी अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। पहले ये होता है इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं, इसके बाद पहले बात करते हैं ओपन सर्किट के बारे में। ओपन सर्किट ऑफ सिमेट्रिकल तीन नेटवर्क इसका बनाते हैं डायग्राम, टीवी शेप में होना चाहिए तीन नेटवर्क। ये तो बताएंगे हम आपको, हमारा जेड वन बाई टू, जेड को जेड वन बाई टू, ये हमारा जेड ओ सी, ओ सी का मतलब है ओपन सर्किट, ये भी हमारा जेड ओ सी ओपन सर्किट। आई यहाँ पे क्या जीरो, ओपन सर्किट का मतलब है कि जो हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं ये हमारे कनेक्टेड नहीं है आपस में। अगर ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये होता हमारा शॉर्ट सर्किट वायर से, लेकिन अब ये ओपन सर्किट है। अब इसके लिए हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी, जेड ओ सी, इसकी हमारी क्वेश्चन बड़ी सिंपल बनेगी। ये तो हमारी होगी सिंपल सीरीज में और इसके प्लस में है ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये तो सिंपल सीधा होगा पूरे यहाँ पे। तो इसकी बनेगी जेड वन बाई टू प्लस में जेड, सिंपल, दैट्स ऑल, दिस इज द ओपन सर्किट। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में, इसकी इक्वेशन थोड़ी बनी बनेगी करनी पड़ेगी सोल्व। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, डायग्राम तो सेम रहेगा, ओपन हो चाहे शॉर्ट हो, जेड वन बाई टू, जेड वन बाई टू, जेड टू, लेकिन जो यहाँ से मेन डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ये हमारी होगी शॉर्ट सर्किट। अब एक तरह से ओपन सिर्फ ये हमारा हो गया जेड एस सी। तो अब हम बात करते हैं इसको, सबसे पहले तो क्या होगा, देखो जेड बनाए क्यों रहे हो, इसको तो पैरेलल में, क्योंकि जब ये ओपन थी तो ये सीरीज में थी ना, अब ये कनेक्टेड हो गई ऐसे, अब ये होगी पैरेलल में, अब ये इसको भी पैरेलल, तो ये होगी जेड वन इम्पीडेंस है, जेड वन बाई टू पैरेलल जेड। एक तो हमारा ये पॉइंट होगा जेड एन बी टू पैरल जेड टू। तो अब जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ये थोड़े पैरल में है तो ये दोनों इसके पैरल में भी है, तो इसका मतलब क्या है, जेड वन बाई टू, सॉरी ये सीरीज में इसके साथ पैरल में नहीं है, तो ये हुआ जेड वन बाई टू, ये हमारा ये वाला है पैरेलल में इसकी है जेड वन बाई टू पैरेलल जेड। इसको हम लिखते हैं सॉल्व करके थोड़ा, ऐसे जेड वन बाई टू जो हमारा ये वाला था प्लस जेड टू पैरेलल ये, इसको हम लिखते हैं सॉल्व करके आगे, टू जी एस ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से जेड वन प्लस टू जेड वन बाई टू इंटू जेड टू, हाँ पैरेलल में तो एक बार प्लस एक बार ना मल्टीप्लाई कर प्लस प्लस जेड टू, तो हमारा जेड एस सी क्या बनेगा, पूरा यही बनेगा सेम जेड वन बाई टू। अब इसको यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या, इसको नीचे लिख लो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसको इसके साथ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, कॉस मल्टीप्लाई छोटा करने के लिए, जेड वन बाई टू, जेड वन बाई टू प्लस जेड टू, ये हमारा आ गया ये वाला बच्चा ये वाला, इसलिए साइन लिखते हैं प्लस जेड वन बाई टू इंटू जेड टू, अपॉन में ये तो रहेगा नीचे जेड वन बाई टू प्लस जेड टू। इसको हम सोल्व करेंगे, सिंपल सोल्व कर रहा है सिंपल मैथमेटिक्स, तो इसका आएगा जेड वन स्क्वायर प्लस फोर, जेड ऐसे चल रहा है नीचे पूरा, नहीं तो बताइए जेड ऐसे चल रहा है, जेड वन स्क्वायर प्लस फोर प्लस जेड वन बाई टू जेड टू जेड वन बाई टू जेड टू,
फॉर्म में ये तो नीचे वही चलता रहेगा 7/5 संजय डबल बाई 2 जब ये हमारा आगे सोल्व करते हैं इसको पहले से यहाँ पे भी आ गया ये हमारा आएगा जेड वन स्क्वायर बाई 4 जेड वन जेड टू जेड वन टू जेड टू ये आपको जब देखा होगा तो ये हमारा क्या है और आपको याद हो पीछे वाली वीडियो में तो देखिए आप समझ लेंगे कुछ थोड़ा सेंस तो जेड नोट की वैल्यू हमारी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की वैल्यू है वो जेड ओ सी मल्टीप्लाई जेड एस सी अंडर रूट में तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जो हमने सिमेट्रिकल नेट का फॉर्म लगा था वो आराम से बन जाएगा कैसे देखें यहाँ पे जेड नोट अंदर जाकर जेड वन बाई टू प्लस जेड एक तो हमारा ही इसके साथ है जेड वन स्क्वायर बाई फोर प्लस जेड वन जेड टू जेड वन टू प्लस जेड टू ऊपर तो सॉल्व करते हैं रूट में चल रहा है जेड वन बाई टू प्लस जेड टू जेड वन स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू फोन में जेड वन बाई टू प्लस जेड टू तो इसको सॉल्व करा तो क्या आया सिर्फ ये हो जाएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू ये तो हमारे प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट क्या है तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट तो आज की इस वीडियो में इतना ही और गाइस को सब्सक्राइब करो चैनल को इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों साथ में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा अगर आपको टॉपिक चाहिए मैंने एलिमेंट तो कमेंट कर दीजिए मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो थैंक्स।